दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर तीन हम जबरदस्त कारों को कवर करने वाले हैं जो कि भारत में हम सभी के लिए जल्द होने वाली है लॉन्च। तो पहली खबर निकल के आ रही है हमारी टोयोटा की तरफ से कि टोयोटा की नई एमपीवी कार जल्द ही भारत में देने को है दस्तक के लिए तैयार। तो चलिए जानते हैं। तो नई एमपीवी टोयोटा सीना का आधिकारिक तौर पर अनिवार्य भारत के लिए कर दिया गया है और इसका सीधा तौर पर मुख्य रूप से मुकाबला भारत में लॉन्च हो चुकी किया कार्निवल मिनी वैन से होने वाला है। मूल्य रूप से दोस्तों बताना चाहूँगा कि आगामी एमपीवी डैशनिंग रूप से अमेरिकन लगती है और इसके डिज़ाइन और इंजन को यूरोप से डिज़ाइन किया गया है। अगर दोस्तों इस कार के फीचर्स की बात करें तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस कार के अंदर आपको 20 इंच के एलॉय व्हील देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ सुपर लाइनअप में आपको साइड दूसरी तरफ आपको कैप्टन सीट भी मिलने वाली है और साथ ही साथ 15 इंच के पावर टेल और टेलीकॉमिंग स्पेयरिंग और 360 डिग्री कैमरे की सुविधा और 10 इंच का HRD 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ इस कार में मौजूद करवाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको फेमस JBL का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आप सभी को प्रोवाइड करेगा। दोस्तों चौथी जनरेशन के टोयोटा सीना के डिज़ाइन की बात करें तो ये बोल्ड डिज़ाइन के साथ बहुत ही आकर्षक लुक के साथ मार्केट में उतारी जाएगी। आकर्षक रूप में इसमें आपको डिज़ाइन के तौर पे बड़े हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं और बड़े लोअर एयर ग्रिल के साथ ये मार्केट में आएगी और साथ ही साथ दोस्तों आउटिंग मॉडल की तुलना में इसका फ्रंट फेदर इसमें पुराने मॉडल की तुलना में बहुत ही आकर्षक रखा गया है। और सबसे खास बात दोस्तों आपको इस एमपीवी की मैं बताने जा रहा हूँ कि इस एमपीवी के बारे में टोयोटा का कहना है कि सामने का डिज़ाइन शिकांगोनी जापानी बुलेट ट्रेन से प्रेरित किया गया है और प्रोफाइल ज़्यादा स्पोर्टी इस कार की रखी गई है और पैनल काफ़ी शानदार लगते हैं और रियर में आपको नई टेल लाइट्स का ऑप्शन इस कार में देखने को मिलेगा जो कि LED लाइट्स के पतले बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। नई डिज़ाइन की आपको ग्रिल और टेल लाइट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर इस कार की इंजन की बात करें तो इस कार के अंदर आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि अभी भारतीय बाजार में किसी भी एमपीवी के अंदर उतारा नहीं गया है। तो टोयोटा ने इस कार के अंदर अपना हाइब्रिड सिस्टम फुल हाइब्रिड पावर 10 को स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया है। इस ऑल न्यू एमपीवी के अंदर आपको 2.5 लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 41% तक थीम इलेक्ट्रिक मोटर ऑप्शन के साथ आएगा जो कि सिस्टम से आपको 243 PSP की पावर और ECVT स्टैंड से आपको रियर व्यू को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इसमें इलेक्ट्रिक AWD सिस्टम को भी शामिल किया है जिससे दोस्तों आपको अधिकतम पावर मिल पाएगी। और इस कार के माइलेज की बात करें तो दोस्तों ये आपको 1 लीटर में कम से कम 32.40 KMPL का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखेगी क्योंकि इस कार के अंदर आपको दोस्तों हाइब्रिड सिस्टम फुल हाइब्रिड पावर 10 ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों लॉन्चिंग की बात करें तो भारतीय बाजार में इस एमपीवी कार को टोयोटा हम सभी के लिए सितंबर महीने तक लॉन्च कर सकती है और भारतीय बाजार में लॉन्च होती दोस्तों इस कार को काफ़ी कड़ी टक्कर भी मिलने वाली है। मगर मेरे ख्याल से दोस्तों इस एमपीवी को टक्कर देने के लिए अभी तक कोई भी भारतीय बाजार में एमपीवी नहीं शामिल है क्योंकि इस एमपीवी के अंदर आपको लौता ही हाइब्रिड सिस्टम फ्यूल हाइब्रिड पावर 10 के साथ मिलने वाला है जो कि आपको ज़बरदस्त घोड़े जैसी पावर प्रदान कर पाने में क्षमता रखेगा। तो ये एमपीवी दोस्तों काफ़ी अच्छी पैमाने पे बड़ी फैमिली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कीमत की बात करी जाए तो दोस्तों भारतीय बाज़ार में इसकी स्टार्टिंग कीमत 4.79 लाख शोरूम प्राइस होने वाली है। अगर टॉप वेरियंट की बात करें तो करीबन दोस्तों 6.70 लाख रुपीज़ तक जाने की संभावना है। अगर इस एमपीवी को यानी टोयोटा की नई सीना को आप अपने लिए बुक करना चाहते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें ज़रूर कमेंट करिए।
तो जैसे कि दोस्तों टोयोटा किर्लोस्का मोटर भारतीय बाजार के लिए अपनी RAV4 कॉन्सेप्ट SUV लाने की तैयारी में लग गई है। वहीं टोयोटा ने हाल ही में कम मांग के कारण करोला आर्टिक को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है, जबकि कंपनी अपनी RAV4 पर तेजी से भारतीय ग्राहकों के लिए अब काम कर रही है। बता दें कि 1994 के बाद से 26 वर्ष के में टोयोटा RAV4 दुनिया की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV में से एक है और RAV4 के दुनिया भर में 10 मिनट में अधिक बिक्री करने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। अगर इंजन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोयोटा की RAV4 को भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए दो वेरिएंट में हम सभी के लिए उतारा जाएगा। पहला वेरिएंट में दोस्तों आपको M20AF के 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर डुअल जेट टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 173 BHP की पावर और 208 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देगा। ये इंजन दोस्तों 6 स्पीड मैनुअली और डायरेक्ट शिफ्ट CVT ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। अगर दूसरे वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों RAV4 के अंदर आपको A25AFX से 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन हाइब्रिड ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 218 BHP की पावर और 221 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में जबरदस्त क्षमता रखेगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो RAV4 टोयोटा न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर टेक पे प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी लंबाई दोस्तों 4600 MP और चौड़ाई है इसकी 1855 MP और 2690 mm इसकी व्हील बेस के साथ इसमें आपको 1680 Nm की ऊंचाई मिलती है। RAV4 में आपको 195 Nm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑल व्हील ड्राइवर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। और साथ ही साथ टोयोटा RAV4 के भारी हिस्से में आपको क्रोम टाइटेनियम अप होल्ड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हेडलैम्प्स और क्रोम टाइटेनियम और हेडलैम्प्स बोनट पर आपको उभरी हुई लाइन देखने को मिलेगी और सेकंड प्लेट वाला एक बड़ा एयर डैम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको बड़े एलॉय व्हील क्रोम विंडो शिफ्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर रिवर्स कैमरा और टेल गेट्स और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। लॉन्चिंग और कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में टोयोटा अपनी RAV4 को हम सभी मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए दो वेरिएंट पेट्रोल ऑप्शन में हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। स्टार्टिंग कीमत की बात करें तो दोस्तों इस कार की कीमत 4.30 लाख रुपीस से होने वाली है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन दोस्तों 6.70 लाख रुपीस तक जाने की संभावना है। इस कार को दोस्तों स्पेशली भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अल्फा प्लेटफॉर्म पर ही बेस तैयार किया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस SUV के अंदर आसानी से 5 लोग बैठ सकते हैं और ये फैमिली के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी कार है। अगर आप इस कार को अपने लिए लेना चाहते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो हमारी तीसरी खबर निकल के आ रही है दोस्तों महिंद्रा की तरफ से कि महिंद्रा अपनी ब्रांड न्यू SUV को हम सभी के लिए नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी में लग गई है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों महिंद्रा थार के नई जनरेशन मॉडल पर महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी समय से काम कर रही है। इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया जा चुका है और हाल ही में फिर से सड़कों पर इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। कंपनी अपनी इस नई जनरेशन मॉडल में आपको कॉन्सेप्ट बदलाव के साथ मैकेनिज्म अपडेट भी ऑप्शन देखने को मिलेगी। कंपनी ने ऑटो एक्सपो में 2020 के दौरान भी अपनी अगली जनरेशन थार को हम सभी के लिए नहीं पेश किया था। माना जा रहा है कि इस कार को हम सभी के लिए फाइनली अब सितंबर में लॉन्च किया जाना है। अगर इस वीडियो में देखें तो दोस्तों नई जनरेशन महिंद्रा थार पूरी तरीके से ढकी हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ इसका डिज़ाइन भी पहले के मुकाबले काफ़ी बोल्ड आ गया है। इस SUV में आपको 5 स्पोक एलॉय व्हील दिए गए हैं और इसके साथ ही इसमें आपको बॉक्सी डिज़ाइन के साथ साउंडप्रूफ और हाउडप्रूफ और कॉन्फ़िगरेशन शामिल किया गया है। फीचर्स के तौर पे इसमें आपको SUV के अंदर क्लासिक सर्कुलर हेडलैम्प्स और LED DRLs बड़े फैदर के साथ आपको इंडिकेटर और टेल गेट माउंटेन स्पेस व्यू और नए टेल गेट्स के साथ आपको प्रीमियम टच दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों आपको 15 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की सुविधा देखने को मिलती है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले न्यू जनरेशन सुविधा से लेस है, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। केबिन की बात करें तो न्यू जनरेशन महिंद्रा थार 2020 में आपको नई अपहोल्ड सीट के साथ प्रीमियम सीटें और फ्रंट फेसिंग रियर सीटें और ऊँचे
स्क्रीन पर एक आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कलर MID और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और आदि दिए गए हैं। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों 2020 महिंद्रा थार में आपको फीचर्स के तौर पे डुअल फ्रंट एयरबैग्स और रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम आदि सेफ्टी फीचर्स को कंपनी ने मौजूद करवाया है। अगर पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो न्यू जनरेशन 2020 महिंद्रा थार SUV में आपको पेट्रोल तथा डीजल दोनों इंजन विकल्पों में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। पेट्रोल यूनिट में दोस्तों आपको 2.0 लीटर का TGDI टर्बो पेट्रोल M स्टेबिलिटी इंजन दिया गया है। वहीं दूसरे इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा और नया आपको 2.2 लीटर का लाइट स्मार्ट टी पेट्रोल इंजन ऑप्शन का विकल्प भी देखने को मिलने वाला है, जो कि स्कॉर्पियो और XUV500 में भी देखने को मिलेगा। अगर लॉन्चिंग और कीमत की बात करी जाए तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि भारतीय बाजार में 2020 महिंद्रा थार को हम सभी के लिए सितंबर महीने तक लॉन्च किया जाना है। भारतीय बाजार में मध्यवर्गीय ग्राहकों को देखते हुए इस कार को केवल 3 वेरिएंट में हम सभी के लिए लॉन्च किया गया है। सबसे मिड वेरिएंट की स्टार्टिंग कीमत दोस्तों 4.60 लाख रुपीस से होती है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन दोस्तों 7.80 लाख रुपीस तक जाने की संभावना है। अगर दोस्तों आप ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं और आपको थार काफ़ी पसंद है तो आप इसके न्यू जनरेशन मॉडल की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। बताना चाहूँगा थार एक 5-सीटर SUV कार है। अब इसके अंदर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की सुविधा भी कंपनी की तरफ से मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लुक भी दोस्तों चेंज है, स्टाइल भी बिल्कुल चेंज कर दे। अगर आप इस कार को अपने लिए बुक करना चाहते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की 3 ऐसी कारें जो कि जल्द हम सभी ग्राहकों के लिए भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है। कोई भी कार आप लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।